आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और निर्देशन में संपन्न हो रहा है। आने वाले सालों में आपको ये बाबा का प्रांगण आपको नए स्वरूप में दिखाई देगा। उत्तराखंड की सरकार ने हर संभव प्रयास किया है कि ये यात्रा हमारी आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सुगम हो, सरल हो और किसी प्रकार की कठिनाई उनको न हो। हालांकि मौसम की बर्फबारी के कारण से, अनेकों कारणों से ये यात्रा चुनौतीपूर्ण भी है, कठिन भी है, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा मंगलमय हो। आने वाले वर्षों में ये यात्रा और आसान होगी जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रोप वे का यहाँ के लिए शिलान्यास कर दिया है, आने वाले समय में निरंतरता से यात्रा चलेगी। मैं एक बार पुनः आप सभी का, हमारे सोनाली राठौर जी और रूप सिंह राठौर जी, इनका भी मैं बाबा केदार की इस भूमि पर मुख्य सेवक उत्तराखंड की तरफ से, उत्तराखंड की देवभूमि की तरफ से आप सबका, आपकी पूरी टीम का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अभिलिप्सा पंडा भी अभी यहाँ पहुँचने वाली है और भी हमारे अनेकों कलाकार जो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर देंगे, उन सभी का मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और विशेष रूप से अपने भाई हिमांशु चमोली जी का, हमारे कर्नल कोठियाल जी का, हमारे सभा के यहाँ के मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र जी का, यहाँ के विधायक जी का, हमारे पुष्टि जी का और सभी लोगों का, हमारे महावीर जी का, आने वाले सभी लोग जो भी इस यात्रा को संयोजन में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सबका मैं अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं कि वो यात्रा को उन्होंने सुचारू रूप से प्रारंभ किया और बाबा केदार की कृपा से आगे भी यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। आप सबका पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।